Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Dr. Keel and I'm working as Senior Medical Officer here in Zeb Unnissa Trust Hospital, Narowar. आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है डायरिया. डायरिया जो है बेसिकली उसकी जो डेफिनेशन है, आम तौर पर कोई भी इंसान, बच्चा या बड़ा, 2 से 3 दफ़ा रोज़ाना एक दिन के अंदर स्टूल पास करता है, जो जिसकी कंसिस्टेंसी सॉलिड या सेमी सॉलिड हो सकती है. अगर मरीज 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल्स पास करेगा तो उसको भी हम डायरिया की डेफिनेशन के अंदर काउंट करते हैं. बेसिकली इसकी जो किस्में हैं वो 2 हैं, एक एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया. और मोस्टली बच्चों के अंदर इसका जो इन्फेक्शियस ओरिजिन है वो ड्यू टू वायरसेस है. वायरसेस लाइक नॉर्वैक वायरस या रोटा वायरस, ये मोस्ट कॉमन वायरसेस हैं जो बच्चों के अंदर डायरिया कॉज करने की वजह बनते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जैसे जियाडियासिस, एमीबियासिस, ईकोलाई और साल्मोनेला स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी वजह से डायरिया मरीज में होने का एक बायस बनता है. इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी ऐसे हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं. अगर हम डेफिनेशन की बात करें क्यू डायरिया की, एक मरीज जो कि 2 से 3 दफ़ा वाटरी कंसिस्टेंसी के अंदर लूज स्टूल्स पास करे या इससे ज़्यादा मिकदार में पास करे उसको हम एक्यूट डायरिया कहेंगे, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 14 डेज से कम है. अगर मरीज 14 दिन से ज़्यादा, 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा टाइम के लिए लूज स्टूल्स पास करता है जिसकी कंसिस्टेंसी वाटरी है या सेमी सॉलिड है तो उसको हम क्रोनिक डायरिया की तारीफ के अंदर बयान करते हैं. उसकी कॉजेज के अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज, ऐसी बीमारियां जो क्रोनिक डिजीजेज हैं वो इसकी बीमारी का बायस बनती हैं. इसकी सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, सिम्टम के अंदर जैसा कि हमने पहले इसको डिस्कस किया कि मोस्ट लाइकली इनका जो इन्फेक्शियस ओरिजिन है वो वायरसेस हैं जैसे रोटा वायरस, नॉर्वैक वायरस. तो अगर मरीज 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा लूज स्टूल्स पास करे फ्लूड की कंसिस्टेंसी के अंदर तो हम इसको डायरिया कहेंगे. इसके साथ साथ मरीज को पेट में दर्द हो सकती है, दिल खराब हो सकता है. यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको लूज स्टूल्स के साथ ब्लड भी आता है या वो म्यूकस या रेशा खाने के साथ आने की कंप्लेन करते हैं. इसके साथ अगर मरीज की तशखीस की बात करें तो तशखीस मरीज की करना बहुत ही आसान है. जैसे हमने तारीफ बयान की, तारीफ ही उसकी तशखीस है. इसके अलावा अगर हम कुछ टेस्ट करवाना चाहें, जैसे क्रोनिक डिजीजेज होती हैं जिसके अंदर डायरिया होता है तो उनके अंदर कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोलोनोस्कोपी करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है या कुछ और मज़ीद टेस्ट हैं जिनकी मदद से मरीज की तशखीस की जा सकती है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डायरिया के अंदर है वो उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है कि हम किस तरह मरीज़ का इलाज करेंगे या उसका जो प्रिवेंशन है, मरीज़ की बीमारी है उसे हम किस तरह बढ़ सकते हैं. तो इसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम मरीज़ को ORS, इसके अलावा जिंक और कुछ प्रोबायोटिक ऐसी मेडिसन्स हैं जो हम मरीज को स्टार्ट करवाते हैं और मरीज़ का डायरिया उससे बेहतर होना शुरू हो जाता है. सबसे पहले अगर कोई भी आप बच्चे को या बड़े को लूज स्टूल या डायरिया की कंप्लेंट के साथ देखते हैं तो उसको एज सून एज पॉसिबल, इवन के डॉक्टर को दिखाने से पहले, आप घर में भी उसको ORS स्टार्ट करवा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ के जो लूज टूल्स हैं, जो बुखारे हैं, वो उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. लूज टूल अगर मरीज को लगे रहे हैं और उसके इलाज हम ना करवाएं उसमें मरीज पानी का ज़्यादा भी होता रहता है, उसके साथ कुछ साल्ट्स होते हैं जैसा कि सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड, ऐसे छोटे आयंस होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं. तो मरीज लूज टूल के साथ इनको भी ज़ाया करना शुरू कर देता है जो कि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन का बायस बनता है. तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हमें ORS जो है वो एज सून एज पॉसिबल बच्चे को या बड़े को स्टार्ट करवा देना चाहिए डॉक्टर को दिखाने से भी पहले. इसके बाद प्रोबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, आप आजकल मार्केट के अंदर बेशुमार प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार में ऐसे प्रोबायोटिक्स हैं जो डायरिया के अंदर इफेक्टिव हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. हमें चाहिए कि हम किसी भी किस्म का प्रोबायोटिक इस्तेमाल करवाने से पहले अपने डॉक्टर से रिजू कर लें और उससे इस चीज़ की आगाही ले लें कि हमने उसको कैसे इस्तेमाल करवाना है. इसके साथ साथ जिंक का एक मेजर रोल है.
हमारी गट वॉल के साथ एंटेरोसाइट्स होते हैं, बहुत छोटी मिकदार के अंदर रेशानुमा सेल्स होते हैं जो हमारी गट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उसकी ग़ज़ा के लिए या उसकी सेहत के लिए इंतहाई अहम होते हैं। तो जैसे ही हम मरीज़ को, बच्चे को जिंक स्टार्ट करवाते हैं लूज स्टूल या डायरिया के साथ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम इस चीज़ से जो आगाही लें कि एंटीबायोटिक का रोल क्या डायरिया के अंदर है। जो एम्पिरिकल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक हो रही है, WHO के मुताबिक या जो हमारे जनरल फिजिशियंस हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए भी, एंटीबायोटिक्स डायरिया के अंदर उनका कोई भी यूज़ नहीं है। और इवन के वो हमारे जो गट के अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट के लिए बहुत अहम होते हैं या उनकी सेहत के लिए बहुत अहम होते हैं, तो उनकी सेहत को ख़राब करते हैं और गुड बैक्टीरियाज के लिए वो बहुत हार्मफुल होते हैं। इवन के ये डायरिया को वर्स्ट कर सकते हैं और उसकी कंडीशन को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक का डायरिया के अंदर बहुत कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ना होने के बराबर उसका यूजेज है। अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो दूसरी बीमारियों की तरह, जैसा कि टाइफाइड है, हमें अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए, अपनी खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए। जो हमारे घर में खाना बनाने वाली औरतें हैं उनको चाहिए कि अपने हाथ खाना बनाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, बाजार का खाना कम से कम इस्तेमाल करें। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।